साथ सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन अब यहां की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें भी फर्राटा मारती हुई नजर आएंगी। जी हां, परिवहन विभाग के मुताबिक फरवरी महीने में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और इसकी सेवा पटना के साथ साथ उन रूट्स पर भी होगी जो पर्यटन के लिहाज से बेहतर मानी जाती हैं। पटना में इलेक्ट्रिक बसों की होगी सेवा। बीएसआरटीसी ने योजना का खाका खींचा। फरवरी से पटना में 25 ई बस की सेवा। सीएनजी के बाद अब पटना की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इसके लिए योजना तैयार कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने से ई बसें पटना की सड़कों पर नजर आने लगेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली के लिए, आप देख रहे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य चल ही रहा है। इसकी वजह से हम लोग परिवहन विभाग भी इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं और जहां हम लोगों को पेट्रोल डीजल की जो तीन पहिए वाली गाड़ी थी उसके जगह पे हम लोगों ने सीएनजी चलाने का अभियान शुरू किया। इससे ई बसों को लेकर रोड मैप तैयार है, बस जमीन पर उतारने की तैयारी है। फरवरी में 25 इलेक्ट्रिक यानी कि ई बसों का संचालन राजधानी में शुरू होगा। जनवरी के आखिर तक इन बसों को खरीद लिया जाएगा। 8 पॉइंट्स वाले उच्च क्षमता वाला चार्जिंग स्टेशन फुलवारी शरीफ में लगाया जाएगा। एक बार पूरी तरीके से चार्ज होने पर ई बसें 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। 25 ई बसों में 15 ऐसी होंगी जिसमें 37 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। 10 बसों में 45 मुसाफिर की क्षमता होगी। पटना के सभी अहम रूट पर ई बसें चलेंगी। उन बस रूटों का खासा ध्यान रखा जाएगा जो राजगीर, बोधगया और बिहार शरीफ को जोड़ते हैं। एसी, जीपीएस, सीसीटीवी, चार्जिंग पॉइंट्स जैसी सुविधाएं ई बस में होंगी। यानी यात्रियों को एक तरफ प्रदूषण से जहां निजात मिलेगी, वहीं उन्हें आधुनिक सुविधाओं का भी एहसास ई बसों में सवारी के दौरान होगा। इलेक्ट्रिक तो अभी 2-3 साल से फेमस हुआ, उससे पहले गाड़ी पुराना है, 3-4 साल हो गया है। तो अब जब नेक्स्ट एक्सचेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे भी ध्यान देंगे, जरूर इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेंगे। यहाँ सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जी। इस कारण से जो है ना सर, अगर हम एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को तो सर लंबा रूट पे नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ इतना जाम लगता है पटना शहर में। कॉस्टिंग कम है, अभी जितना 100 रुपया पेट्रोल 100 रुपया पेट्रोल होने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ा। हम लोग तो सर गरीब आदमी हैं, हम लोग को ये मिलता है, मालिक को भाड़ा देते हैं, 2 पैसा हमको भी हो जाता है, चलाते हैं। पटना की पहचान भारत में प्रदूषित शहरों में होती है, लिहाजा प्रदूषण को दूर करने में भी ई बसें कारगर साबित हो सकती है। फरवरी के महीने में 25 इलेक्ट्रिक बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रयोग के तौर पर उतारेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ।